जबान में इसको कतला कहता हूँ, उर्दू में इसको ढालनी कहता हूँ। ये 700 रुपए किलो सर, बड़े से बड़े। ये ईरानी पापलेट है, इसको ईरानी पापलेट। ये येलो शेड जो आ रहा है, ये ताजी की पहचान है। अच्छा, ऐसे बहुत कोई ढाकने को। रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो ब्लॉग वीडियो है, बफर जोन बंगाली पाड़ा फिश मार्केट की एक साइड पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने आज एक्सप्लोर करना है फिश मार्केट, क्योंकि तो सर्दी आ रही है। तो इसके प्राइस वगैरह लेते हैं और सारी डिटेल आप लोग इस वीडियो को मिलेगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और फिश मार्केट है, बफर जोन फिश मार्केट है, और ये आप देख सकते हैं हमारे शरियार भाई हमारे साथ हैं। तो डिटेल लेते हैं। तो ये मच्छी क्या किलो दी है, कौन सी मच्छी है? मुश्का है, मुश्का है। मुश्का मुश्का क्या किलो है? 300 रुपये। लड़के ये कौन सी वाली है? ये असल गिस्सर है, ये डामा है। अच्छा, गिस्सर का असल है। गिस्सर क्या हिसाब है? ये गिस्सर 550 रुपए किलो, डामा जो है 450 रुपए किलो। उसमें कांटा वाटा होता है? नहीं, एक ही कांटा है। कंगी होगी बीच में? बिल्कुल कंगी है बस। जायके में कैसी है? जायके में VIP है। और ये वाला अलग है, ये रोहू है, मीठे पानी का दरिया का रोहू। अच्छा, ये 550 रुपए किलो। ज्यादा कौन सी चलती है, रोहू चलती है ज्यादा? मुख्तलिफ, ये ज्यादा चलता है रोहू, इसके अलावा सुरमई चलेगा ज्यादा, व्हाइट कून चलता है ज्यादा। अच्छा, बड़ी बड़ी मछली है। ये वाली कौन सी? व्हाइट वाली जो रखी है, व्हाइट कौन है? ये व्हाइट कौन क्या हिसाब दे रहे हो? 500 रुपए के। हीरा भी कहता है, गुलफाम भी कहता है। अच्छा, हीरा और गुलफाम कहते हैं इसको, सही हो गया। क्या किलो है ये? 500 रुपए। कांटा वांटा होता है इसमें? कांटे भरपूर होते हैं, मोटा मोटा कांटा होता है यार। ये देखिए काफी सारी है। और ये कौन सी है? ये काला पापलेट। काला पापलेट है, ये देखिए यार, ये काला पापलेट भी मौजूद है। काला पापलेट क्या हिसाब है? 300 रुपए। सब नस्ली मछली है, सब नस्ली मछली है। सबसे सबसे ज्यादा चलने वाली कौन सी मछली है? सभी चलते हैं माशाल्लाह। हाँ, उठा लो उठा लो। हाँ, पर तो चले, आपने बोला मुझे तो नहीं काटा, इसको काट। मछली मछली है भाई। अभी ये वाली कौन सी है? धोतर है। धोतर है, ये धोतर है भाई, ये देखें, ये भी बहुत बिकने वाली है। वो कौन सी रखी है, छोटी वाली? ये लेडी फिश है। लेडी फिश है, जबरदस्त। एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह, दुकानदारी अच्छा ही होगा, जबरदस्त हो गया। अच्छा चीज बेचेंगे तो अच्छा ही होगा ना भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश माल है, ताजा है। माल देखो ना, आके देखो माल का, गलफड़ा तो कलम लगा तो लाल हो जाएगा। ये देखिए यार, कोई शक तो नहीं। अच्छा, ताजा मछली पहचान बताओ जरा, ताजा मछली के आके देखो पता चल जाएगा। चेक करो, उठाओ जरा, दिखाओ जरा। क्या दिखाओ, मछली का शक्ल ही बता दो, मछली ताजा है फ्रेश? नहीं, जिनको नहीं पता उनको बताओ ना, ताजा मछली कैसे ढूंढे हो? ताजा मछली का आके देखो कैसा चमक रहा है, चमकने वाली आंखें होंगी। बासी माल तो है नहीं, जो दिखाओ बासी कैसा होता है। हाँ, ये भी सही है, मछली का ये चमक होगा मेरे पास। इस मार्केट की यही है कि यहाँ पे फ्रेश माल आता है ज्यादा से ज्यादा। कोई फेक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सही है ना? ये अपना कली है, अपना कल आंखें देख रहे चमक रहा है। देखे माशाल्लाह, कली भी ऐसा होगा, देखो आप देखो, मैं नहीं देखू। सही है यार, क्या हिसाब है गेसर? गेसर क्या हिसाब है? गेसर 250 रुपए। ये डामा गेसर है, ओरिजिनल डामा गेसर है। ये व्हाइट कून है, इसके तुम देखे। अच्छा, ये व्हाइट कून छोटी वाली है? छोटी वाली है, बड़ा भी है मेरे पास जरा। अच्छा, ये बड़ा वाला भी है। और ये काला कून है, इसका तुम देखे। इसके अगर पट्टे होंगे ना, उसकी गोश्त व्हाइट होंगे ना। अच्छा, वो व्हाइट नहीं होगा। हीरा हीरा, और ये रेड स्टेपर है ओरिजिनल। ये रेड स्टेपर? हाँ, ओरिजिनल रेड स्टेपर। मछली का आखिर देखे, ये डोरी का दाना है, ये चरना किस चरना से आया है ना। अच्छा, और ये स्टिंग फिश। किंगफिश? ओरिजिनल किंगफिश। क्या हिसाब है? ये छोटा सा है, सिर्फ 450। साढ़े चार जायके में कैसा है? किंगफिश किंगफिश है ना, नामी नाम पूछ लिया मेरे पास। अच्छा, ये बताओ ये वाला क्या हिसाब है? ये तो मैं फिलहाल चला रहा हूँ 600 रुपए से। सिर्फ 600 रुपए? कांटे कितने होंगे? ये जितने भी आइटम, एक कांटा ये ले जाओ,
इसको दोतर बना के बेचता है उल्लू बना के। हाँ। ये दोतर नहीं है माशे है गुलकॉम। अच्छा सही हो गया। ये सब रामास बोलता है इसको। हाँ। देख लो सही तरह चेहरा, लेकिन रामास नहीं है। कौन सी है? सिल्वर। सिल्वर है। विजय भाई सही हो गया यार। और ये क्या हिसाब है? बकाया वर्ल्ड टूर में सब ये दोतर है। सही है। दोतर क्या हिसाब है? दोतर ये भी है। रेट तो बताओ। रेट नहीं बता रहे। रेट तो बता देंगे। टेंशन के 500 रुपए किलो दोतर है। ये वाला दोतर 400 रुपए किलो है। अच्छा सही है। ये शहरी है। शहरी? हाँ। इधर बोलता है मुल्ला। मुल्ला बोलता है बाग मुल्क पे शहरी। इधर बोलता है मुल्ला। अच्छा ऐसे बहुत कोई ढांगरी बोल के भेज देता है। अच्छा ठीक है। सलाम ये मुल्ला और शहरी। अच्छा सलाम जो है क्या प्राइस है? उठाओ जरा इसको ऊपर दिखाओ। ये ऐसा मार्केट चल रहा है 700 रुपए। मैं चला रहा हूँ सिर्फ 550। सिर्फ 550 रुपए? मुझे 50 रुपए चाहिए भाई। 1200 नहीं चाहिए। कैसे दे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे बरकत हो जाता है। जबरदस्त हो गया भाई। ये कोने पे कौन सा रखा हुआ है? ओ कैटफिश खग्गा। इसका सर नाम है रिंजी खग्गा। रिंजी खग्गा। ये खग्गे में सबसे अच्छा खग्गा ही है। अच्छा इसमें काटे वाटे वो ये जितने भी आइटम देखो, शक्ल देखो इसका आइटम हो, ये सब एक खाने। इसको भी दिखाओ। अगर आपको मीठे पानी का अगर पता नहीं हो ना, उसका उंगली डाल दो। अच्छा उसमें डालो वो जाएगा और आएगा। अच्छा और इस पे डालो जाएगा फट जाएगा। अच्छा समझने वाला समझ। ये समंदर का होगा। समंदर का होगा। आपको बता दिया नेक्स्ट टाइम अल्लाह। अच्छी बात यार। बहुत नई चीज़ सीखने को मिली। तो आकिब हमारे साथ हैं आज। एज ए फूड लवर्स को भी सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से। झींगा। वाह यार झींगे आ गए भाई। झींगे झींगे काफी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटे वाले झींगे भी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल मौजूद है। सब्जी के लिए 300 ये 300 रुपए 300 रुपए किलो। सब्जी ये 700 रुपए किलो सर। बड़े से बड़ा ये बारबेक्यू की सफाई करने के बाद बता रहे हो? ऐसी बता रहे सफाई करने के बाद। ये सफाई के साथ ये जैसे ऐसे सफाई के साथ। और ये है यार यार काफी सारी यार। ये देखें लो बेटा। ये देखें यार ये टेंगरा यार। ये क्या है? टेंगरा सूप बनता है। सूप बनता है। सूप बनता है इसका। टेंगरा ये सुरमई ओरिजिनल सुरमई इसको कहता है। 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। जबरदस्त यार। अच्छा और ये वाला पल्ला ये दरिया की है। दरिया की ये दरिया की है भाई। ये देख लिया दरिया की पल्ला जाम शोरों कहलाता है ये। अच्छा ये वाला कौन सा रखा है? ये मल्ली। मल्ली है यार। बच्चों बच्चों को नाम पता है, हमें नाम नहीं पता। ये देखिए यार बिल्कुल मार गई मच्छी के जो है ना। और ये फिश नाम होते हैं कि अलग अलग होते हैं, इनकी भी नस्लें होती हैं, उनको पता नहीं होती। अभी 2 घंटे बाद तबाही होगा। तबाही 2 घंटे बाद। कतला है। कतला बंगला जबान में इसको कतला कहते हैं। उर्दू में इसको ढांगरी कहते हैं। सही है। ये 400 रुपए किलो। 400। और काटा? काटा एक ही है। एक बीच वाली कंगी है। और लोगों को बुलाने के लिए कैसे आवाज लगाते हो? आओ मेरा भाई आओ। अच्छे से अच्छे आइटम है मेरा भाई। ताजा है। फ्रेश है। आओ ये भी एक इधर भी है। जबरदस्त। इधर कुछ ज़्यादा वैरायटी है भाई। अलग अलग किस्म की नस्ल की नस्ली मछलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? पहचाना नहीं? पहचाना पहचान लिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि पिछली मरतबा पर हीरा 800। इस दफ़ा रेट कुछ कम है या? पिछले दफ़ा से जो है कम से कम किलो का 300-250 रुपए का फर्क आ गया। अच्छा वो 300-250 रुपए कम हुआ ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ। पिछला हफ्ता बेचा हीरा हमने 1400-1200 रुपए किलो बेचा। अभी हीरा 800 रुपए किलो। अच्छा टोटल बेचा 1100-1100 रुपया। अभी वाइट वाला टोटल 800 रुपए हो गया। अच्छा ये जो अलग अलग झींगे रखे हुए इसके रेट बताओ। रेट 800-550-700-700। जबरदस्त हो गया यार। ये व्हाइट पापलेट है ना? नहीं व्हाइट ये है। कौन सी है? व्हाइट ये है। ये व्हाइट पापलेट है जी। क्या हिसाब चल रहा है? 700 रुपए यार। 700 रुपए ज्यादा नहीं है? 1200-1300 रुपए की भाई होलसेल भाई। ये दोतर कर दो। अच्छा होलसेल। ये वाला कौन सा? ये जलेबी पापलेट है भैया। जलेबी पापलेट यार। जलेबी पापलेट देगी पापलेट नहीं इसका नाम जलेबी है। जलेबी है जी। जलेबी भाई। जलेबी भाई। जलेबी भाई। क्या हिसाब दे रहा हूँ? ये 550 रुपए किलो। बहुत सारी मछली की वैरायटी मौजूद है यहाँ पे यार। ये देखिए जितनी दिखाएं उतनी कम पड़ेगी।
भजन ये काला पापलेट क्या हिसाब दे रहे हो? काला पापलेट छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा वाला, बड़ा वाला 750, छोटा वाला 650। छोटा वाला 650 है जी, ए ग्रेड माल है, कोई बी ग्रेड माल नहीं होगा। ये देखिए यार, ये 650 रुपए छोटा पापलेट है, काला पापलेट जबरदस्त हो गया यार। झींगे बड़े लग रहे हैं, ये बड़े वाले झींगे बताओ 850 जी। ये सफाई के बाद कह रहे हो या ऐसे ही? 50% नहीं, सफाई लेडीज कर रहे हैं आप। अच्छा जी, ये आप ऐसे ही दोगे? हम ऐसे ही देंगे। ठीक हो गया। सलामुअलैकुम, कैसे भाई, खैरियत से? सर ये बताएं, ताज़ा माल रखा हुआ है? ताज़ा ही माल है। अच्छा जबरदस्त हो गया। ये वाला कौन सा रखा हुआ है? किंग फिश है। और ये क्या हिसाब है? ये 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। कांटा वाटा होता है इसमें? एक ही कांटा बीच में लगा भाई, इसका कांटे भी नरम होते हैं, मतलब कंगी होती है बीच की। अच्छा जबरदस्त हो गया। ये झींगे? झींगे ये 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो। यार ये बताओ, फिंगर फिश के लिए कौन सी बेहतर मछली है? फिंगर फिश के लिए अच्छी होती है सारम। सारम ये वाली? ये देखें यार, सारम जो है ये फिंगर फिश के लिए बेहतरीन है। और स्लिप हो रही है मेरे हाथ से, ये स्लिप हो गई है, अभी निकल गई भाई। ये देखो, ये देखें यार, ये है सारम, सारा का सारी खरीदनी है। ये सारम क्या हिसाब दिए? 400 रुपए। और ये काला वाइट है? काला ये ना। अच्छा ये काला कौन है भाई? और ये वाली जो है ये वाइट कौन है? इस वाइट कौन का साइज भी चेक कर लें, साइज कितना बड़ा है इसका? जबरदस्त यार, काफ़ी बड़ी बड़ी मछली है भाई। बाकी तो वही है जो हम दिखाते हैं, वो दिखा दो। पापलेट कौन सी? जलेबी पापलेट है, वाइट है, जलेबी पापलेट है 700 रुपए। इसमें भी कांटा नहीं होगा? एक ही कांटा। खाने में कैसी है? अच्छी होती है, कांटा जायकेदार मछली है। अच्छा, और फ्राई के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा है? फ्राई के लिए काला पापलेट अच्छा। काला पापलेट ये है भाई, काला पापलेट ये फ्राई के लिए बेहतर होता है। काला पापलेट क्या हिसाब दे रहे? 800 रुपए किलो। तो आ गए भाई हम एक और शॉप पे, तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये कुछ नहीं लग रही है, कौन सी ये वाली? ये कौन सी बड़ी मछली जो उठा रहे भैया? ये हीरा है चकोरी। हीरा है चकोरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे लगे? अलहमदुल्ला। कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है भाई? कुन मौजूद है, काला पॉपलेट मौजूद है, धोतर मौजूद है, हीरा मौजूद है। अच्छा एक तो उठाओ तो दिखाओ तो, क्या हिसाब है, रेट क्या है भाई? ये कुन है भाई, सफ़ेद कुन। अच्छा 550 रुपये। 550 रुपये जी। ये क्या अलग से लग रही है कुछ? ये कुक्कड़ है, देसी मुर्गी की तरह जायका इसका बेहतरीन। कुक्कड़? कुक्कड़ देसी मुर्गी बेहतरीन जायका। पहली बार सुन रहे ना जो इससे बेहतरीन। जबरदस्त यार, ये धोतर है, सही है, ओरिजिनल धोतर है ये, वाइट। अच्छा वाइट धोतर है ये 850 रुपये। ये रानी पापलेट है जो लियाकत फिश में बिकता है मनोड़े में, ये ईरानी पापलेट। ईरानी पापलेट सही है। ये वाला कौन सा रखा हुआ? ये जो हीरा है, हीरा क्या हिसाब है भाई? ये 350 रुपये। 350 रुपये कुछ कह रहे हैं सर? चकोरी है, ठीक हो गया। ये हीरा ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हीरा है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आज हमारे साथ हैं शेरियार भाई। शेरियार भाई कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक है। और आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा रहा भाई। संडे का दिन है, मार्केट में ऑलरेडी रश यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं मार्केट का रश। और बहुत सारी वैरायटी भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत पुरानी मार्केट है ये बफर जोन की, और जितनी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है मेरे ख्याल से शायद किसी और मार्केट में। शेरियार भाई थोड़ा सा यहाँ की लोकेशन बता दें। ये बफर जोन 15B का इलाका है, और बंगाली पाड़ा के कहा जाता है, बंगाली पाड़ा की फिश मार्केट कहा जाता है। आप किसी से भी मालूम कर लेंगे बफर जोन आके 15B में कि भाई फिश मार्केट कहाँ है, वो इजीली आपको बता दें। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेरियार भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सा मुझे भी कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो इस तरह आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।